क्या आपने इतना बड़ा हाथ पहले कभी देखा है जो कि एक बोतल से भी बड़ा हो? इस इंसान ने इतनी लंबी दाढ़ी क्यों कर रखी है? एक इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या इंसान के मरने के बाद उसे ये पता चलता है कि अरे यार मैं तो मर गया? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, ये है यूएसए के रहने वाले जेफ टेट। इनके हाथ दुनिया में सबसे बड़े हाथ हैं और इन्होंने इन हाथों का बहुत यूज भी किया है आर्म रेसलिंग में। पंजे लड़ाने में ये चैंपियन भी रह चुके हैं। इनके हाथ इतने बड़े कि ये बास्केटबॉल को ऐसे उल्टा कर पकड़ सकते हैं। लेकिन इन बड़े हाथों के साथ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कि ये टच फोन यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये दबाना कुछ चाहते हैं तब कुछ और जाते हैं। बड़े आते हैं भाई। फैक्ट नंबर 9, साल था 1860, तब यूएसए के इलेक्शन होने वाले थे और बहुत कम लोगों को ये लग रहा था कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन सकते हैं यूएसए के। तभी एक किसान थे जिनका नाम था वेलेंटीन टेपले। ये अब्राहम लिंकन से बहुत नफरत करते थे और इन्होंने कसम खाई कि अगर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गया तो मैं अपनी ये दाढ़ी कभी नहीं कटाऊंगा। और फिर अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बन गए और वेलेंटीन ने अपने वादे के हिसाब से अपनी मौत तक कभी दाढ़ी नहीं काटी। इनकी दाढ़ी हो गई थी 12 फीट की। उस जमाने के लोग अपनी बातों पर टिकते थे, अपने वादों पर टिकते थे। आजकल तो वादे किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। फैक्ट नंबर 8, कोरोना वायरस ने दुनिया की लंका लगा दी है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कोरोना वायरस के बारे में कि अगर हम दुनिया के सारे कोरोना वायरसेस को एक साथ इकट्ठा कर लें तो वो कितनी स्पेस में इकट्ठा हो जाएंगे। आप जानकर हैरान होंगे कि उनका वेट केवल 8 ml का होगा और वो केवल एक चम्मच के अंदर आ जाएंगे। मतलब इतने छोटे वायरसेस ने पूरी दुनिया की बैंड बजा के रखी हुई है। फैक्ट नंबर 7, फेसबुक का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम है जिसका नाम है डीप फेस। इसका काम है इंसानों की फोटो को देखकर पहचानना और इस एआई की एक्यूरेसी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि एक इंसान की होती है। फैक्ट नंबर 6, आप सबने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में सुना होगा, लेकिन आप में से कितने लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका के बारे में सुना है? अफ्रीका के 20 देशों ने आपस में ये पार्टनरशिप की है कि वो एक 8000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की एक दीवार बनाने वाले हैं। इस एरिया में ऐसे पेड़ लगाए जा रहे हैं जिनको सूखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का 15% पूरा हो चुका है, 85% बाकी है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि यार मैं भी नासा के रॉकेट में बैठ कर ऊपर जाऊं और जो स्पेस स्टेशन है वहां पे कुछ दिन गुजारूं? अब नासा ये प्रोग्राम लेकर आ चुका है कि एक नॉर्मल इंसान भी स्पेस स्टेशन पर जा सकता है घूमने के लिए, लेकिन उन्होंने जिसका किराया रखा है वो बहुत सस्ता है, 25 लाख रुपए पर डे का। बहुत बढ़िया। फैक्ट नंबर 4, क्या हो कि कोई इंसान आपकी साइकिल या बाइक के पास आई चोरी करने के लिए और वो जैसे ही ताला तोड़ने की कोशिश करे उसे उल्टी आने लगे? हाँ, ऐसा हो सकता है। स्कंक लॉक नाम की एक कंपनी है जिन्होंने एक ऐसा ताला निकाला है जिसको अगर चोर तोड़ना चाहेगा तो उस ताले में से ऐसी गैसेस निकलेंगी जिसके बाद चोर को चक्कर आने लगेंगे, उसे उल्टी आने लगेगी और उसकी आंखें भी ब्लर हो जाएगी, उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखेगा। चोर के साथ इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो बाइक तो चोरी नहीं करेगा बल्कि खुद भागेगा, और भागते समय भी क्योंकि उसकी आंखें ब्लर हो चुकी है तो वो टकराता फिरेगा। फैक्ट नंबर 3, आपको क्या लगता है कि जो वीडियो कॉलिंग की सर्विसेज हैं वो दुनिया में कब आई होंगी? 10 साल पहले, 20 साल पहले? नहीं, सच ये है कि आ चुकी थी आज से 60 साल पहले। उस समय की एक बहुत बड़ी कंपनी थी बेल लैब्स के नाम से, वो वीडियो कॉलिंग सर्विसेज को लेकर आई थी। लेकिन उस समय की वीडियो कॉलिंग तारों से होती थी, ब्रॉडबैंड तो था नहीं उस समय, और इसी वजह से जो वीडियो कॉलिंग के रेट्स होते थे वो बहुत हाई होते थे। मतलब एक मिनट का $20 ले रहे थे जो आज की महंगाई के हिसाब से होता था $100। और इतनी महंगी होने की वजह से ये इन्वेंशन आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से बेल लैब्स को 3500 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। फैक्ट नंबर 2, चाइना में एक सुपरस्टिशन है कि छोटे भाई को कभी भी बड़े भाई से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो भी उसकी एक सेरेमनी कराई जाएगी जिसमें बड़े भाई की भूत की एक लाश के साथ शादी करवाई जाएगी, और ये क्रियाकलाप करने के बाद ही छोटा भाई शादी कर सकता है। फैक्ट नंबर 1, हम सबके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि मरने के बाद क्या ये पता चलता है कि अरे बहनचोद मैं तो मर गया। इसी पर काफी लंबी रिसर्च की गई न्यूयॉर्क के डॉक्टर सैम पानिया द्वारा। फिर उनको ये पता चला कि मरने के कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक इंसान को ये पता चल जाता है कि मेरा टाइम ओवर हो चुका है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल धड़कना बंद कर देता है, लेकिन हमारे दिमाग में फिर भी कुछ खून बचा होता है जो काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम ये फील कर पाते हैं कि बेटा गेम ओवर हो चुका है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पेज को लाइक करो, आपको ऐसी शानदार वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो दो काम करो, पहला इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को पता चल सके कि आप कितने इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।